नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मई 2023। डॉलर इंडेक्स अभी 102.00, कल डॉलर इंडेक्स 101.40 लेवल से 102.20 की तरफ एक अपमूव देखा गया, बट इट इज एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन? 100.80 ऑन द लोअर साइड एंड 102.80 ऑन हायर साइड, इसी के बीच में और कुछ दिनों के लिए डॉलर इंडेक्स मूव करना चाहिए। तब तक ये कंसोलिडेट करना चाहिए जब तक आपका इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड एक पॉज का डिक्लेरेशंस और आने वाले दिनों में स्टार्ट कटिंग द इंटरेस्ट रेट नहीं आता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स एक रेंज के अंदर में ही रहना चाहिए। डॉलर रुपी आपका है 182.11, इसका भी जो आपका रेंज था ऑन द लोअर साइड 81.50-60 एंड ऑन द हायर साइड 82.30-35, इसके बीच में ही ये मूव करना चाहिए जब तक हमें एक क्लियर कट प्राइस एक्शंस का इंडिकेशंस नहीं आता है। यहाँ पे आप अगर डेली का प्राइस एक्शंस देखोगी क्या हो रहा है, अब एक देखो ये हाई है ये लो है, उसके बाद का हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक आउट नहीं किया, उसके बाद एक लो बनाया जो लो प्रीवियस लो को ब्रेक आउट नहीं किया, फिर एक हाई बनाया जो प्रीवियस हाई को ओवरटेक कर नहीं पाया, फिर एक लो बनाया जो प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। इट्स मींस लोअर हाई एंड हायर लो, एक प्राइस एक रेंज के अंदर में ही ना ही हाई को तोड़ पा रहा है ना ही लो को तोड़ पा रहा है। तो हमें ये प्राइस एक्शन जो है तब तक देखना पड़ेगा जब तक आइदर हायर हाई नहीं बनाते हैं या लोअर लो नहीं बनाते, तब तक एक रेंज के अंदर में ही डॉलर रुपये रहना चाहिए। अभी का जो छोटा रेंज है वो है 82.30-85 ऑन द हायर साइड एंड 81.50-60 ऑन द लोअर साइड। एक बार ये छोटा रेंज को ब्रेकआउट करता है तो एक ऊपर का रेंज आएगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, तो नया एक रेंज बन सकता है। जीबीपी डॉलर कल अच्छा खासा एक सेल ऑफ आया है आफ्टर बीओई रेट डिसीशंस। ये बेसिकली आपका ब्रॉडर जो आपका प्राइस सेक्शन से वी आर वेटिंग फॉर ए डीप डीप मे बी बॉट। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो प्राइस है वो सेंटर बैंड में जाके रुका है। सो अभी सेंटर बैंड से क्या ये दोबारा हाई को चैलेंज करेगा, ये हमें देखना है। जीबीपी आईएनआर में भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, सेल ऑफ होने के बाद ये अभी भी सेंटर बैंड में आया नहीं है, लेकिन ये आपका 5 EMA के सपोर्ट लिया है, ऑल्सो प्रीवियस सपोर्ट भी प्रीवियस रेजिस्टेंस भी। सो ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। सो दिस एरिया दैट इज 102.50 एंड 102.30, इसके बीच में एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकता है। और प्राइस एक्शंस अभी एज ऑफ नाउ कुछ खास लॉन्ग के लिए दिख नहीं रहा है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना। यूरो डॉलर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद एक पॉज था एंड कल एक ब्रेक डाउन किया, दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक हमें सेल ऑप्टिक्स के लिए खेल सकते। सेल ऑप्टिक्स के लिए खेलने के लिए क्या हो सकता है, अभी आप देखोगे ये जो बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड है ये ऊपर में आया है, प्राइस अगर यहाँ से आप मूव देखिए सेंटर बैंड के आसपास, नॉट एग्जैक्टली एट 20 मूविंग एवरेज बट उसके आसपास रेजिस्टेंस लेके अगर लो को तोड़ता है, रिसेंट लो को तोड़ता है, इन सच ए केस इस करेंसी पेयर पे एक अच्छा खासा अप मूव हम एक्सपेक्ट, अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर सिमिलरली ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है कल ब्रेक डाउन किया है, आज फॉलो थ्रू का जरूरत है। डॉलर येन यहाँ पर भी आपका जो परसों के दिन आपका सेल ऑफ आया था 135.35 लेवल से एंड यहाँ पे आपका 133.70 में सपोर्ट लेने का, कल एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन नहीं किया। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्राइस को और क्लैरिटी के साथ देखना। जेपीवाई आईएनआर
आपका सेंटर बैंड ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला निगेट हो चुका है, दैट बीइंग द केस अभी ये जो है अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में जाके रुका हो, दैट बीइंग द केस हमें ये जो कल का हाई है इसके हाई के ऊपर अगर आवरली बेसिस पे क्लोज देता है वी कैन एक्सपेक्ट एन अपमूव इन दिस डॉलर कैंडल। आपका नीचे का जो रेंज है यहाँ से 1.3320 के आसपास से फिर जाके आपका 135 135.25 में रेस। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है, इसका मेन रीजन क्या है आप देखो कि लो, फिर जो लो हुआ प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर नहीं, फिर जो हाई बना है वो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक डाउन ब्रेकआउट कर नहीं पाया। सो ये जो क्या बना रहा है एक रेंज श्रिंक हो रहा है, दैट मींस लोअर हाई हायर लो। सो इसमें क्या होता है कुछ क्लैरिटी नहीं होता है, साइडवेज जिगजैग मूवमेंट, जब तक हायर हाई हायर लो नहीं तो लोअर हाई लोअर लो नहीं बनता है तब तक हमें $80 पे ये जो रेंज ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा था लेकिन ऊपर की तरफ से नहीं कर पाया एंड अगेन रेंज के अंदर में आ चुका। व्हाट इज द रेंज, रेंज इज 0.6575 ऑन द लोअर साइड एंड 0.68 ऑन द हायर साइड, इसके अंदर में ही आपका फिर दोबारा आ चुका है। दैट बीइंग द केस हमें फिर और एक बार इंतजार करना है कब ये आइदर साइड ब्रेकआउट करता है। 2 3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा एंड इन सच ए केस 0.70 इज एक्सपेक्टेड टू बी आवर नेक्स्ट टारगेट। व्हाट इज दैट टारगेट इज नथिंग बट द बॉक्स रेंज, ये जो बॉक्स का रेंज है उसी का इक्विवेलेंट प्रोजेक्शंस। लेकिन ये परसों के दिन थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन कल ब्रेक डाउन कर गया। सो आपका ये जो प्रयास था फेल्ड है। डॉलर सीएनए 6.93 थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा प्राइस क्लैरिटी हमें यहाँ पे चाहिए। यूके ऑयल एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस था, ये जो आपका डाउनफॉल था फ्रॉम हियर टू हियर उसके बाद एक फर्स्ट अप मूव आया, हमारा कहना ये था जब एक फॉल के बाद फर्स्ट अप मूव आएगा वहां पे हम बाई नहीं करेंगे, उसके बाद एक सेल ऑफ आएगा आना चाहिए, आएगा बोल के नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे सेल ऑफ आया, अभी आने वाले दिनों में आज तो शायद होगा नहीं, आने वाले दिनों में ये जो आपका 10th मई का हाई उसको तोड़ता है इन सच केस इट विल मेक ए डब्ल्यू पैटर्न ऑन ए डेली बेसिस एंड ये जो डब्ल्यू पैटर्न का हमें एक अच्छा खासा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी टुवर्ड्स 81। लेकिन उसके लिए आपका 10th मई का हाई के ऊपर जाके आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा। अभी आता है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.37, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है फ्रॉम आपका 3.52 से 3.37, तो हमें फिर दोबारा इसको इंतजार करना है ये रेंज दैट इज 3.28 एंड ऊपर में आपका 3.6। 2 ईयर ट्रेजरी भी सिमिलर 3.88 है आपका। देखने वाला बात ये है कि डिफरेंस बिटवीन 10 ईयर एंड 2 ईयर इज अगेन 51 बेसिस, ये रेंज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो साइडवेज कंसोलिडेशन होने दीजिए जब तक एक डिसाइसिव डिसीजन। कल ड्यूरिंग द डे मैंने एक ट्रेड कॉल दिया था एक छोटा टाइम फ्रेम के बेसिस पे जो इमीडिएटली स्टॉप आउट हो चुका है एंड रिगार्डिंग दैट वन मैंने रात को एक वीडियो बनाया सर्टेन लर्निंग लेसन्स। लर्निंग लेसन्स क्या है कि उस वीडियो पे आप मैंने डिटेल्स डिस्कस किया है, यहाँ पे एक जिस्ट में डिस्कस कर लेता हूँ कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक बायर है तो दूसरा सेलर। अभी एक चैलेंज हो जाता है कि सपोज आई एम हैविंग ए पोजीशन, एक पोजीशन है सपोज लॉन्ग टर्म मैंने बाई करके बैठा है, मेरे को कुछ बेसिस पे कुछ टाइम फ्रेम के बेसिस पे कुछ एनालिसिस के बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए एंड मैंने बाई कर, सब्सिक्वेंटली सामने से अपने ही पहचान में से किसी ने शॉर्ट का कॉल दे दिया, विजन आता है खुद के ऊपर एक इंडिसीजन सा बट नीड्स टू बी डन। मैंने उस एनालिसिस कल का रात का जो वीडियो है वहां पे मैंने डिस्कस, रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड
जिन्होंने इस टाइप का एक सिचुएशन फेस किया है और चाहते हैं कि एक उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इन सचिव उन वो लोग मेरा ये वीडियो कल का जो वीडियो है उसको आप गो थ्रू कर सकते। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अमोंग यू ग्रेट डे।